गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मेरी 200 एम्पेयर की बैटरी 25 एम्पेयर सेटिंग रखा है MPPT का कैलिब्रेशन में जाके 25 एम्पेयर सेटिंग रखा है। अभी 23 एम्पेयर से मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। C10 बैटरी है मेरी 200 एम्पेयर की, लगभग 23 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तभी भी मेरे बैटरी का वाटर बॉयल नहीं होता दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा भी वाटर बॉयल नहीं होता बैटरी का, स्मूथ चल रहा है। अब देखिए कितने एम्पीयर से चार्ज कर रहा हूँ मैं। बाईस एम्पियर, 25 तक जा रहा है। ये DC सप्लाई पर बैटरी चार्ज ज़्यादा एम्पियर से भी किया तो वाटर बॉयल होता नहीं दोस्तों, पर मेन से बैटरी चार्ज किया, मेन से AC से, तो वाटर बॉयल होता है। अभी सोलर पैनल का सप्लाई प्योर DC होता है। और बैटरी को भी प्योर DC सप्लाई लगता है चार्ज होने के लिए। DC से DC परफेक्ट चार्ज होता है। वाटर इज नथिंग बॉइलिंग। एक भी बबल नहीं आ रहा दोस्तों अंदर से। अभी 23 एम्पियर से चार्ज हो रही है बैटरी, सिंपल एक बबल भी नहीं आता। साढ़े नौ का वक्त है सुबह का। देखिए लगभग 23 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। 23 एम्पियर से 25 तक जा रहा है। देखिए इधर 22 दिखा रहा है। तेईस 18 से 23 तक, 25 तक भी जाता है, 25 एम्पियर तक भी जाता है। ये 23 दिखा रहा है अभी। देखिए 22 के आगे लगभग 23 एम्पियर, लगभग 23 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। वाटर कुछ भी नहीं हिलता, नहीं एक भी बबल नहीं आता वाटर में। अब ये 200 एम्पेयर का बैटरी है, यहाँ 150 एम्पेयर का जो बैटरी होता तो थोड़ा सा बबल आने की संभावना है। 200 एम्पेयर की बैटरी की प्लेट्स थिक रहती है ज़्यादा 150 के, 150 एम्पेयर बैटरी के प्लेट से ज़्यादा थिक रहती है 200 एम्पेयर की बैटरी की प्लेट, इसलिए वाटर बॉयल नहीं होता। देखिए धन्यवाद दोस्तों फ्रॉम सोलर इन्वेंशन। वीडियो लग ये टेस्टिंग वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।